प्रभात मेरे प्यारे बच्चों। बच्चों, आज मैं आपको अनमोल रत्न पुस्तक, ये हमारी पुस्तक है कक्षा दो की, इसके पाठ 15 को आज मैं आपके सामने पढ़ाने जा रही हूँ। इससे पहले बच्चों, मैंने आपको पेड़ हमारा साथी के भाग एक को आपके सामने मैं पढ़ा चुकी हूँ, रख चुकी हूँ। ये पाठ एक नाटक के रूप में दर्शाया गया है, नाटकीय रूप में। इस पाठ में बच्चों, एक जंगल का दृश्य दिखाया गया है, और जंगल, जैसा कि हम सबको पता है, जंगल में जानवर रहते हैं और जंगल की हरियाली को काटना भी मना है। तो इस पाठ में एक जंगल का दृश्य दर्शा करके और कुछ लकड़हारे आकर के, कुछ मनुष्य रूपी लकड़हारे आकर के इस जंगल को काट रहे हैं। इसके प्रथम और द्वितीय दृश्य में, जो कि पहले भाग में मैं आपको बता चुकी हूँ, लकड़हारे आकर के इस जंगल को काट रहे हैं, और कटे हुए जंगल को जब जानवर आकर के देखते हैं कि मेरा जंगल लकड़हारों ने काट दिया है, तो वो बहुत दुखी होते हैं। उन्हें अपने जंगल की याद आती है कि हम कहाँ रहेंगे, ये तो हमारा घर था, हम क्या खाएंगे, हम किस पर बैठ करके रहेंगे, इस और आगे के भाग में वो क्या करने जा रहे हैं, इसके तृतीय तीसरे भाग में बताया गया है। बच्चों, इस नाटक के प्रमुख पात्र, जैसे कि पेड़ है, लकड़हारे हैं, कुछ जानवर, जानवरों में बच्चों भालू, बंदर, खरगोश, हाथी और चिड़िया भी है। चिड़िया भी हमारे जंगल की रौनक है। बच्चों, जब जानवर और चिड़िया आकर के देखते हैं कि हमारे घर को, यानी कि जंगल को, की लकड़ियों को कुछ लकड़हारे आकर काट रहे हैं और काट चुके हैं, तो वो सब आपस में मिल करके कुछ निर्णय लेते हैं। ये क्या निर्णय लेते हैं, ये तृतीय, इसके तीसरे भाग में बताया गया है। तो बच्चों, जैसे कि सारे जानवर आदमियों के पास जाते हैं, आदमी माने कि लकड़हारों के पास जाते हैं, और जाने के बाद जानवर कहते हैं सारे, भैया तुमने ये क्या कर दिया, तुमने ये सारे पेड़ क्यों काटे हैं। तो ये सुनकर लकड़हारे जो हैं वो कहते हैं कि बड़े गर्व से, बड़े घमंड से, कि हमने ये जंगल ऊंचे ऊंचे बड़ी बड़ी इमारतें बनाने के लिए, मकान बनाने के लिए ये सारे जंगल काटने शुरू कर दिए हैं। ये सुन करके जब लकड़हारे ये बोलते हैं कि हमने ऊंची ऊंची इमारत बनाने के लिए, मकान बनाने के लिए ये जंगल काटने शुरू कर दिए हैं, तो ये दुखित, जो दुखित जानवर है, कहते हैं रोते हुए कि तुम्हें पता नहीं है, अरे मनुष्यों, लकड़हारों, तुम्हें पता नहीं है, ये तो हमारा घर है, जंगल जो है वो हमारा घर है, पेड़ हमारे साथी है, हम इनके साथ रहते हैं, ये हमको क्या क्या देते हैं। वो बोल बता रहे हैं कि पेड़ हमको छाया देते हैं, छाया हमको देते हैं, अन्य माने कि अनाज केवल हमको छाया नहीं देते, बल्कि आप सबको भी छाया देते हैं। अगर कोई राहगीर व्यक्ति जब रास्ते में चलता है तो वो थक जाता है, तो एक पेड़ की के नीचे ही आकर के आराम का महसूस, आराम को महसूस करता है, उसकी छाया में खड़ा होकर के अपने आप को खुशी प्राप्त करता है। तो छाया हमको देते हैं, उसके साथ ही साथ अन्य, अन्न माने कि अनाज, सब्जी, फल, फूल सब देते हैं, और लकड़ी जिसको जला करके हम लोग ईंधन का उपयोग करते हैं, लकड़ी, अनेक तरह की दवाइयां जो कि हमें पेड़ पौधों से ही प्राप्त होती है, लकड़ी और दवाइयां भी प्राप्त होती हैं, दवाइयां देते हैं, फिर भी तुम पेड़ काटते हो, अरे मूर्ख, तुम तो इसका मतलब कि तुमको पता नहीं है कि पेड़ हमारे सबसे अच्छे साथी हैं, मित्र हैं, हमको इतना सब कुछ देते हैं, फिर भी आप उनको काट रहे हैं, पेड़ हमारे साथी
साथी होते हुए भी आप उसको उनको नुकसान कर रहे हैं, और तुम इनको काट करके यहाँ ऊंचे ऊंचे इमारत बनाओगे, मकान बनाओगे और यहाँ प्रदूषण फैलाओगे। जब लकड़हारों को इन सब बातों का ज्ञान प्राप्त होता है जानवरों से, जानवरों के द्वारा जब उनको ये ज्ञान प्राप्त होता है कि हम कुछ पैसों के लिए इतने सुंदर वातावरण को, इतने सुंदर जगह को काट रहे हैं और दूषित बना रहे हैं, तब उनको अपने करने पर, अपनी करनी पर अफसोस होता है। इसके बाद जो लकड़हारे कहते हैं मैंने, तब उनको समझ में आता है, उनको ज्ञान की प्राप्ति होती है और वो कहते हैं कि तुम ठीक ही कह रहे हो, अब हमें समझ में आया कि हम कितनी गलती कर रहे थे, हमसे कितना नुकसान हो रहा था। अब हम पेड़ नहीं काटेंगे, अब इन बड़े बड़े वृक्षों को, बड़े बड़े पेड़ों को अब हम कभी नहीं काटेंगे, बल्कि हम अब नए पेड़ लगाएंगे, बल्कि अब हम क्या करेंगे, इस तरह से छोटे बड़े पेड़ लगाएंगे। और सारे जानवर वहां पर एकत्रित होते हैं, भालू, बंदर और चिड़िया, खरगोश, जितने जानवर परेशान थे सब वहां पर मिल जाते हैं। जानवर और इंसान, आदमी मिल करके नए पेड़ लगाते हैं और नाचते गाते हैं, खुशियां, आपस में खुशियां मनाते हैं और नाचते गाते हुए एक गीत भी गाते हैं। क्या गाते हैं, अभी मैं आपके सामने वो गीत गा करके बताने जा रही हूँ। नए पेड़ लगाएंगे, नए पेड़ लगाएंगे, क्या बोलते हैं, नए पेड़ लगाएंगे, नए पेड़ लगाएंगे, हरियाली हम लाएंगे। जब पेड़ लगाएंगे बच्चों, तभी तो हरियाली चारों तरफ होगी, हरियाली हम लाएंगे और प्रदूषण दूर भगाएंगे। जितनी भी प्रदूषण है, जब ज्यादा मकान बन जाएगा तो मोटर गाड़ी चलेंगी, घरों से गैस चूल्हा में खाना बनता है या जो भी है, नदियों में जो गंदे गंदे पानी आते हैं घरों के द्वारा, तो ये सब जो प्रदूषण, जब हम इमारत मकान नहीं बनाएंगे तो प्रदूषण तो अपने आप दूर होगा। और वो गीत के माध्यम से, गीत गा करके दोनों अब दोनों मित्र बन गए, आदमी और जानवर मिल करके नए पेड़ लगाते हैं और गाते हैं, नए पेड़ लगाएंगे, नए पेड़ लगाएंगे, हरियाली हम लाएंगे, हरियाली हम लाएंगे और प्रदूषण दूर भगाएंगे। इस तरह से बच्चों वो लोग फिर मिलकर के जंगल को हरा भरा करते हैं, नए पेड़ लगाते हैं। और इस कहानी के, इस नाटक के द्वारा हम सबको ये शिक्षा दी जा रही है, हम सबको ये बता रहे हैं कि मनुष्यों को जंगल, जो कि पेड़ों से ही निर्मित होता है, बनता है, हमें पेड़ के जंगल लकड़ियां नहीं काटनी चाहिए, हरियाली वहां की नहीं हटानी चाहिए। तो मुझे आशा है बच्चों, इन दोनों भागों के माध्यम से, भाग एक और भाग दो के माध्यम से, जंगल की जो विशेषता है, पेड़ों के बारे में आपने जाना। और जब मैं इसका काम आपके व्हाट्सएप में भेजूंगी तो आप उसे लिखेंगे हमेशा की तरह, और मेरे पास उसे चेक करने के लिए ये जरूर भेजना। धन्यवाद।